अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने और उपराष्ट्रपति पद पर भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। पदभार संभालते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक्शन में दिखे और जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि वो कार्यकाल संभालते ही सबसे पहले ट्रंप के कुछ फैसलों को पलटेंगे और वैसा ही हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए जिनमें से कुछ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम विदेश नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ फैसले थे। इसमें पेरिस जलवायु समझौता, 100 दिनों तक अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अमेरिका को अलग होने से रोकने और मुस्लिमों पर प्रतिबंध खत्म करना भी शामिल है। बाइडेन ने बुधवार को कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि मैं आज के कार्यकारी कदमों से गौरवान्वित हूं और मैंने अमेरिका की जनता से वादा किया था उन्हें मैं पूरा करने जा रहा हूं। अभी लंबी यात्रा करनी है, ये बस कार्यकारी आदेश हैं, वे जरूरी हैं, लेकिन जो हम करने वाले हैं उनके लिए हमें विधेयकों की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले दिनों में वो और कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बुधवार को अपनी पहली प्रेस वार्ता में कहा कि बाइडेन ने 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो फैसले हैं। बाइडेन का पहला कार्यकारी आदेश 100 दिन तक मास्क लगाने वाला था जिसमें देश की जनता से 100 दिन तक मास्क लगाने की अपील की गई है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अमेरिका की वापसी पर फैसला लिया गया है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के फैसले पर भी रोक लगा दी है। बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को भी रोक लगा दिया है। इसके साथ ही साथ इसके लिए फंडिंग भी रोक दी गई है। जिन मुस्लिम देशों के लोगों के आवागमन पर ट्रंप ने बैन लगाया था उन्हें भी वापस लेने का फैसला किया है। आम लोगों को आर्थिक मदद का ऐलान करने के साथ ही स्टूडेंट लोन की किस्त को सितंबर तक टाला गया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामले से खुद को अलग कर लिया था और पेरिस समझौते से भी अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन जो बाइडेन इस मामले को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए इसमें वापसी करने की बात कही है। वहीं कोरोना वायरस के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के मतभेद हुए और उन्होंने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ लिया। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर वे वापस आते हैं तो WHO से नाता जोड़ेंगे। बता दें कि फैसले के इस साल जुलाई में प्रभाव में आना था, लेकिन बाइडेन के इस कार्यकारी आदेश पर साइन करने से अब पूर्व आदेश रद्द हो जाएगा। बता दें कि अमेरिका 21 जून 1948 से WHO का हिस्सा है। मालूम हो कि बाइडेन ने शपथ के दौरान अपने भाषण में नस्ली भेदभाव को खत्म करने की भी अपील कही है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अब एकता के साथ आगे बढ़ने का समय है, अमेरिका एक महान देश है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।